So, welcome dear friends. Today my lap is not charged. So I have connected it to the charging point. So for today our goal will be this one. ये पार्ट भी आपको दिखेगा, कुछ छोड़ो. Okay? अपना मतलब है सीखने से और जितनी बोल रहे हैं. Okay? Shall we start? So subject physics. हम क्या लेंगे बेटा? कौन कौन सा लास्ट पॉइंट? करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी. ये लेक्चर वाला अपन 17 मतलब डिजाइन का आपको 19 और न्यू पीपल इट विल बी फॉर 19. सो शायद वो दिख नहीं रहा है थोड़ा सा उसको ऐसा पड़ा दिख नहीं रहा. ओके बस So up till now we have discussed many points about drift velocity, current density, mobility, what are the charge carriers, what are the diffusion electrons, drift electrons and everything. Also we have discussed about the limitations of Ohm's law, how there are limitations and how the graphs will change. I V characteristic or V I characteristic. Color code is already deleted. So better now we have to think about one important that is KCL and KVL. So let me try. Okay. In Charles Lewis. KCL का मतलब है किरचॉफ्स करंट लॉ. तो पहले किरचॉफ्स करंट तो एकदम सिंपल है, एकदम फॉर सब्जेक्ट यू परपस इफ यू डू लाइक दैट. इट इज नॉट दिस इज सब्जेक्ट इन दिस टॉपिक इज नॉट यू मस्ट बी नोइंग द कांसेप्ट. ओके सो सपोज आई हैव अ जंक्शन. सो पहले क्या होगा, किरचॉफ्स रूल इज ऑलवेज अप्लाइड फॉर द जंक्शन. टॉपिक 10 में भी आपने पढ़ा है जंक्शन है, मैंने भी आपको 10 बार करंट एंड तो जंक्शन किसको बोलते हैं आपको मालूम है? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बहुत सारे वायर इकट्ठा आते हैं. ओके तो अभी यहाँ पे अगर मेरे को देखना है तो सपोज इसको लिया मैंने I1, इसको लिया I2, इसको लिया I3, इसको लिया I4, इसको लिया I5 और इसको लिया I6. सो यहाँ पे आपने पॉइंट देखा A, एट पॉइंट A देयर आर मेनी करंट्स व्हिच आर आइदर कमिंग टुवर्ड्स करेक्ट और गोइंग अवे. ओके तो अगर आपने टुवर्ड्स को पॉजिटिव लिया और अवे को निगेटिव तो भी चलेगा. तो रूल ऐसे बता रहे, रूल कहता है द अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम करंट, तो आपके लिए अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू अलजेब्रिक सम आएगा आपका जीरो. बाकी कुछ भी करो, बाकी का कुछ मतलब नहीं, अलजेब्रिक सम आपका आएगा जीरो. तो वो दिखाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो पहले मैं डायरेक्ट लिखूं और बाद में क्या प्रॉब्लम आते हैं वो बता. यहाँ से अभी मैंने पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं डाला, डायरेक्टली उनका एडिशन कर रहा हूँ. मतलब वो बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6. ये मेरे को जीरो करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे I1 का डिरेक्शन टुवर्ड्स द जंक्शन है,
आई टू कम अवे फ्रॉम रिजेक्शन, तो उनका मतलब ऐसा नहीं है ये जीरो ऐसा नहीं। तो उनका बोलने का मतलब एक है, इफ यू आर टेकिंग करंट गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज पॉजिटिव, देन करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज नेगेटिव। तो अगर ऐसे लिखा तो कैसे लिखोगे आपको क्या बताया मैंने, टुवर्ड्स पॉजिटिव अवे नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं है। कैसे भी करते हो मतलब आपको मैं क्या बदलने रखता हूँ, एक ध्यान जो टुवर्ड्स है एक साइड पर और जो अवे है वो दूसरी साइड। तो मैंने क्या लिखा, आई वन प्लस आई थ्री प्लस आई फाइव प्लस आई सिक्स इज इक्वल टू वन। सॉरी मैंने कुछ गलत किया, आई वन बोलो बोलो आप बोलो, हाँ वन बात क्या, हाँ आप आ रहे हैं बोलने का ज्यादा जरूरत है, आई नो दैट। आई वन हाँ बाद में प्लस आई फोर करेक्ट प्लस उतना ही इज इक्वल टू यहाँ पे कौन सा आएगा, आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फाइव प्लस आई सिक्स। अभी किसको पॉजिटिव लेना है किसको निगेटिव लेना है ये डिपेंड करता है आपको। तो अगर आपने टूवर्ड्स को पॉजिटिव लिया अवे को निगेटिव लिया तो आपका क्या बन जाएगा, ये जो है आपका टूवर्ड्स कौन सा है, आई वन आई टू वो पॉजिटिव लिया तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हाँ ये इक्वेशन कैसा बनेगा आपका, तो फिर ये इक्वेशन बनेगा अभी टूवर्ड्स को पॉजिटिव मतलब क्या बनेगा, आई वन अवे आप निगेटिव ले लोगे माइनस आई टू माइनस आई थ्री आई फोर क्या आएगा प्लस प्लस आई फोर माइनस आई फाइव माइनस आई सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर आपने इसको ध्यान से देखा और इसको रियलाइज किया इससे आपको मिलने वाला है क्या, आई वन प्लस आई फोर इज इक्वल टू इसको उधर पे लेके गया तो वो क्या बनने वाला है अफकोर्स उधर जाके वो पॉजिटिव बनेगा। तो अलजेब्रिक सम ऑफ द जनरल टोटल करंट इज इक्वल, अभी इसका मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा, एप्लीकेशन क्या है ये क्यों करते हैं इससे आपको ओवरऑल उसका पता चला। अभी एक्चुअली असल में कहाँ पे अप्लाई करना है वो बताओ, हैव यू स्टडीड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इन योर 10th क्लास, अभी भी पढ़ाया है। तो यहाँ पे अगर मैंने दो रजिस्टर लिया हाँ उनको मैंने पैरेलल में जोड़ा, कैसे जोड़ा मैंने पैरेलल में जोड़ा, तो देखो कैसा मजा आता है, एक ही करके एकदम सिंपल करके इसको बोला मैं आर वन इसको बोला आर टू। तो बैटरी का करंट कहाँ से कहाँ जाएगा बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये यहाँ से चल गया ऐसा ऐसा करके इसको नाम दिया मैं आर, करंट कितना बन गया बेटा अपना आर बन गया, करंट बन गया आर। अभी ये बन गया जंक्शन रेजिस्टर लो, ये भी बन गया जंक्शन, तो देखो ये जंक्शन को आर कहाँ आ रहा है टूवर्ड्स द जंक्शन और यहाँ पे तो दो में निकल रहा है आई वन प्लस आई टू। तो यहाँ पे क्या आप रूल को लगा के करते हो, नहीं करते हो, बोलते हो अप्लाई किरचॉक्स किरचॉक्स रूल वी कैन राइट, क्या लिखते हो आर इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। अभी ये बोलने का नजरिया है मतलब मैंने टूवर्ड्स को कैसे लिया पॉजिटिव लिया और अवे को निगेटिव लिया है, क्योंकि इसके पहले का स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लिख नहीं रहा ओके उल्टा लिखना पड़ेगा, पहले का स्टेप मैंने लिखा है, पहले का स्टेप क्या होगा ये बन जाएगा आई माइनस आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू जीरो बन गया। इस जंक्शन को लेकर गया हो गया, मतलब मीनिंग क्या है इसका, जो करंट आ गया वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके उल्टा। यहाँ पे अभी आपके आई वन अभी निगेटिव नहीं बन जाएंगे क्योंकि वो जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो वो आई वन
जैसे आ गया वैसे ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये आई टू और ये बन गया जिससे आर। तो यहाँ पे बन जाएगा आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आर। चेंज है कुछ नहीं है, लेकिन चेंज क्या है, यहाँ पे करंट आके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे वही ग्रो करंट आके डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है, तो फिर क्या है एक करंट। Got my point? Is there any doubt? Is there any query? यही है ये जॉब्स केसी। ओके केसी में दिक्कत नहीं रहती बच्चे करते दिक्कत आती है केवीएल में। तो बेटा केवीएल कैसे करना है जोर से बोलना पड़ेगा, मालूम है साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है अभी आएगा। केवीएल कैसे करते हो बोले तो बेटा केवीएल के लिए अपन तो थोड़ा सा मैंने तो आपको रूल दिया है और रूल का आपको रिकॉर्ड कर। तो केवीएल में आपको पढ़ा के नहीं बताया, मैं आपको खाली ब्रह्मास्त्र दो ब्रह्मास्त्र रिकॉर्ड छोड़ दिया, हाँ एक ही निकाल आर्चन तो एक ही देने वाला क्या, मैं जो बता रहा हूँ उतना ही ध्यान में रखो। I know that I have given you, but this is again bumper offer, bonus offer, एक के ऊपर एक free, वैसे उसको ले लो। तो क्या करेगा अभी ले लेगा, अगर मैंने ऐसे लिया एक बैटरी लिया और एक रेजिस्टर, इसको बोला R, बैटरी को बोला epsilon, epsilon, इसको बोला प्लस इसको बोला माइनस और इसको बोला ए इसको बोला बी। अभी यहाँ पे इट विल कम कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो इतने कंसेप्ट एक ही पॉइंट में, देखो ये जो आएगा ए और बी के बीच का डिफरेंस इसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल ये आएगा आपका ईएमएफ। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके लिए रूल है, यहां से चालू किया तो उसको पॉजिटिव लिखो। सो स्टार्ट पॉइंट देखो, अभी थोड़ा मैं रूल इंप्रोवाइज किया, तो स्टार्ट पॉइंट लिखो पॉजिटिव एंड एंड पॉइंट, अगर ये पॉजिटिव लिया एंड पॉइंट क्या बनेगा ये ध्यान रखो, ये कोई आपको बताएगा नहीं, करके दिखाएंगे बताएगा कोई तो दो तीन जो एकदम पूरा डिटेल में बताए तो बताएगा, क्योंकि इतना सिंपल है वो एक्सपेक्ट करके आपको आता है ऐसे ही बताते हैं। तो आप ध्यान स्टार्ट पॉइंट विल बी पॉजिटिव देन एंड पॉइंट विल बी, अभी जाने दें। तो या तो मैंने इसको क्या लिखा, मैंने बी ए क्या हो जाएगा बी ए को लेगा पॉजिटिव, बी बी को क्या लेगा बस इतना याद है। आगे का क्या करेगा, इफ इफ वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव देन फाइनली टेक इट एज ओके। सेकेंड वन मैंने क्या बताया था आपको, दिख रहा है नीचे आपको दिख रहा है बेटा, इफ वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और मेरा एरो बन गया ऐसा, तो फ्रॉम फ्रॉम इधर आएगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव तो ये आएगा आपका पॉजिटिव। लुक आगे के लिए, अभी यहाँ पे मैं करंट ऐसी दिखाई है पॉजिटिव से आगे जाएगा निगेटिव की तरफ जाएगा करंट को लिखा आर। तो ये सब रूल बन गया, पहला रूल क्या बन गया ए स्टार्ट पॉजिटिव एंड निगेटिव, बी क्या दिखाया मैंने आपको तो ये बी बन गया पूरा, बी क्या बन गया ये बन क्या पॉजिटिव टू निगेटिव 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 टू पॉजिटिव पॉजिटिव। यू वॉन्ट दिस ना, और चले गए ना और चले गए ना
सांगू ना एकदा पटापट असं नाही तुम्हाला येत असेल म्हणून काय सेफ्टी सांगत असते असं काय फक्त कसं एकदा सुरुवात करताना आपल्याला एकदा सांगितलं की कसं पटकन आपल्याला सांगतो मी मला परत सांगितलं लास्ट बट नॉट द लिस्ट यहाँ पे बच्चे धोखा इसको बोलते हैं करंट डिरेक्शन तो डिरेक्शन ऑफ करंट दो ही आ जाएगा ना एक तो ऐसे एक तो ऐसे और ऊपर का बोलते हैं उसके बोलते हैं लूप डिरेक्शन वो डायग्राम में दिखाते नहीं है तो हर्ष वी आर नॉट शोइंग लूप डिरेक्शन इन डायग्राम That you have to keep in mind. हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? तो अगर ये लूप डायरेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये लूप डायरेक्शन. So if current direction, loop direction, if it is same, keep same, then negative. If same, then negative. समझ गए बेटा? ध्यान में रखो इफ डिफरेंट इफ अपोजिट इफ अपोजिट देन देन पॉजिटिव ये सारे रूल एक आपको केवीएल में अप्लाई करने पड़ते हैं के लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट मैं क्या करता हूँ मैं बाजू उठता हूँ आप लोगों को अगर लिखना है फिर से उसका फिर से रिवाइज करना है उसको रिवाइज कर सकते हो ये हटा के मैं ये सॉल्व करके दूंगा सिंपल हो गया बेटा चलो आपको हो गया चलो निकल तो अभी ये क्या बन जाएगा बोलिए कुछ भी नहीं चालू किया तो क्या करने का पॉजिटिव नेगेटिव टेल टेल फास्ट टेल मी फास्ट स्टार्टिंग पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव सो इट विल बी बी ए पॉजिटिव टू नेगेटिव बैटरी है इसको एप्सिलॉन करो तो क्या जाएगा माइनस इप्सिलॉन बी भी बात जाएगा एक लगातार लाइन में जाएगा माइनस इप्सिलॉन ये आई है तो ये आई है तो ये आर है आई कैसे जा रहा है कैसे कैसे जा रहा हूँ ए टू बी जा रहा हूँ यहाँ पे लिखो ए टू बी लुक अगर लिया यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसा प्रोमिनेंट कर रहा हूँ हो गया एक टू बी जा रहा हूँ लूप डिरेक्शन करंट डिरेक्शन सेम अपोजिट अपोजिट तो इट विल बी पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव क्या करंट लिखेंगे नहीं आई इंटू आर बिकॉज इन केवीएल व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल एट ये क्या बनेगा पोटेंशियल एट पॉइंट ए ये क्या बनेगा पोटेंशियल एट पॉइंट बी ये क्या बन जाएगा पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ द सेल तो ये क्या बन जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर इतना एकदम डिटेल में दिया है अभी कुछ घबराने का जरूरत लिखने का अभी बी ए माइनस इप्सिलॉन बाद में क्या आएगा लिखोगे अभी प्लस आएगा प्लस आई आर बराबर माइनस बी समझ गया है ओ देखो अभी इसको सिंप्लीफाई करें सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा आप ही बताओ बताओ बेटा बी ए माइनस बी बी यहाँ पे रखने का इज इक्वल टू इप्सिलॉन माइनस आई इंटू आर हो गया क्या टर्मिनल पीडी मिल गए अभी अगर आपको ऐसा लगता है तो उल्टा लेके दिखा जाए उल्टा लेके दिखाया तो क्या हो जाएगा उल्टा में क्या हो जाएगा इसका उल्टा मतलब मैं बी से ए की तरफ जाए अगर मैं बी के बी से ए की तरफ जाऊँ तो बी भी मेरा पॉजिटिव बन जाएगा तो बी टू ए बन तो अभी ये ऐसा ही बाकी कुछ चेंज नहीं आप उसको सब बी भी पॉजिटिव बाद में करंट उसी डिरेक्शन तो मतलब वो बन जाएगा माइनस आई आर बैटरी निगेटिव टू पॉजिटिव प्लस इप्सिलॉन माइनस बी ए इज इक्वल टू जीरो नो प्रॉब्लम बी ए माइनस ए
इसको उधर लेके जाओ, इधर आएगा माइनस आई आर प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू वी ए माइनस ए, इसको उधर लिया वी ए प्लस हो गया, वी बी प्लस था उसको किया माइनस, क्या बन गया वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, अरे ऐसा बन लो वी ए माइनस वी बी, ये माइनस आई आर है और ये प्लस एप्सिलॉन है, मैंने इंटरचेंज नहीं किया खाली इधर का इधर लिखा है, इसको इधर इंटरचेंज नहीं किया, आपके लिए ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिखा हो एप्सिलॉन को पहले ले लो माइनस आई आर जो कि वी ए माइनस अलग आया, दिस इज गेटिंग माय पॉइंट, राइटिंग द वे ऑफ राइटिंग हैज चेंज्ड, गेटिंग माय पॉइंट, अंडरस्टूड यू हर्ष, स्टिल सेकंड हर्ष इज हैविंग सम प्रॉब्लम, यस यू आर हैविंग प्रॉब्लम, स्टैंड अप, ये प्लस वी बी माइनस आधी मतलब वी बी Which? No. B2 है ना? I have taken already B plus. I have taken A minus. No, I am going from here ना? So where I am? No, not minus to plus. No. After that you do that. For your convenience, I told. Did you get here difference in this? उधर भी डिफरेंस कैसा आएगा, अभी ऑफकोर्स बैटरी का कौन सा टर्मिनल है निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ऑफकोर्स ये अगर x आ गया तो यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो माइनस एक्स मिलेगा मैं, लेकिन अपन तो क्या निकल रहे हैं डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल, तो वो तो वही रहेगा ना निगेटिव में पॉइंट, तो उसके लिए आपको ये निकलना है ऑफकोर्स वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस और वी बी माइनस वी ए, दैट इज करेक्ट, अंडरस्टूड, डोंट बी वरीड अबाउट दैट, किसी भी एक पॉइंट से जाते इधर कंप्लीट, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, सो देयर इज नथिंग स्पेशल टू बी वरीड अबाउट केवीएल एंड केसीएल, ओके, क्या हम आगे जा सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस वो इम्पोर्टेंट है, सीरीज एंड सो वहां के लिए जाते हैं, और वो जब हो जाने के बाद कंबाइनली कैसे निकालते हैं वो आपको मैं सिंपल करके दिखाऊंगा, आपको भी ऑफकोर्स करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, आज के लिए थोड़ा सा बोर्ड का ये कर, कल से मेरा मैं चार्जिंग करूँगा आपको पूरा बोर्ड मिलेगा, ओके थैंक यू, ठीक है। तो बेटा अभी हम क्या देखेंगे, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह आपको मैंने पता, अभी देखेंगे सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, तो बेटा फॉर सीरीज एंड पैरेलल दो आते हैं, सीरीज में दो आते हैं, क्या क्या आता है, नंबर वन असिस्ट और सेकंड अपोज, मालूम है ना ये क्या है, सपोज आपके पास सेल एवर रेडी भागता हुआ चीता, मतलब असा एक रिंग असते त्या रिंग मध्ये चीता असते है ना, दो सेल आपको टॉर्च ऑन करना, तो सेल कैसे डालोगे, पहला एक डालोगे, जैसे डालो वैसे ही दूसरा डालोगे, एक का पॉजिटिव बाद में निगेटिव फिर से दूसरे का पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे किया तो ही आपका टॉर्च जल जाएगा, नहीं तो नहीं, ओके इसका पोटेंशियल कितना, एप्सिलॉन वन पोटेंशियल ई एम ओ, इसका कितना एप्सिलॉन टू प्लस माइनस इसको बोलते हैं असिस्ट, यहाँ पे अगर असिस्ट है तो आपको कुछ नहीं करना, असिस्ट और अपोज एंड बोलते हैं असिस्ट एंड अपोज, तो आपको खाली दो डायग्राम निकालना है, देखो आराम से देखो, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क, डायग्राम नंबर वन ये ऐसे किया मैंने,
उसको भी नीचे बाद में भी निकाल के दिखा दो क्या है, और ये दूसरा निकालेंगे ऐसा। तो आपको खाली इतना ही याद रखना है, क्या याद रखना है, पहले डायग्राम जो दिया है उसमें थोड़ा सा आपको खुद का इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखा दिखा था आपको, इसको बोलो एप्सिलॉन वन, इसको बोलो एप्सिलॉन टू, इसको बोलो एप्सिलॉन वन, इसको बोलो एप्सिलॉन टू। अभी सपोज मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, मतलब जाने का कुछ नहीं, पहले जो मिलेगा वो साइन है, आपको जो मिल रहा है वो साइन है, पहले कौन मिल रहा है पॉजिटिव उसका साइन, मतलब ये ऐसा दिखा तो उसको पॉजिटिव लिखो, ऐसा दिखा तो उसको निगेटिव लिखो। गेटिंग माय पॉइंट, एकदम सिंपल रूल, रटने का जरूरत नहीं, ऐसा दिखा तो पॉजिटिव, ऐसा दिखा तो निगेटिव, मतलब पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, उल्टा। तो उसको रूल मत बनाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ, सिंपल है एकदम सिंपल। तभी बीच में क्या करेगा, बीच में इसको एक छोटा सा डाल लेगा, इसको एक छोटा सा क्या डालने का, इंटरनल रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं आर वन, इसको बोलते हैं आर टू। यहाँ पर डाला, यहाँ पे दूसरे कलर नहीं वही कलर पर डालते हैं, यहाँ पर भी डाला और यहाँ पर भी डाला, क्या बन गया आर वन आर टू। दोनों का भी साइन देते हैं, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। ओके, अगर ये ऐसा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये रूल फिर वगैरह कुछ नहीं होता, ये ऐसा लिख के दिखाऊंगा आपके नोटबुक पे, उसको नोट डाउन, अगर नहीं किया तो फिर इसको क्या लिखोगे बेटा, इप्सिलॉन वन माइनस, सॉरी प्लस इप्सिलॉन वन, ये क्या बन गया आपका इप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू। यहाँ पे बोलो बोलो, प्लस माइनस मतलब ये प्लस ये माइनस, बस आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू ओनली, नॉट आर वन माइनस, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इस कौन से भी केस पे हर टाइम आपको उन दोनों का एडिशन ही मिलेगा, उल्टा हो उल्टा नो प्रॉब्लम, आर वन प्लस आर टू खत्म। अभी एक थोड़ा सा चैलेंजिंग, चैलेंजिंग चैलेंजिंग है लेकिन ऐसा बोला तो थोड़ा, आपको बोला चैलेंजिंग क्वेश्चन तो थोड़ा दिखा, नहीं तो ऐसे ही। अभी ए बी वाला टेस्टर आगे कोई नहीं दिखे, लेकिन कोई बोला वो आ रहा है शायद तुम करे, तो अरे शायद तुम का बाद में नहीं आऊँगा क्या, नहीं उसका नाम दिया फिर, हाँ देखेंगे इसको, ये इसको हटाओ बेटा, हटाओगे बेटा, ओके चलो। तो अभी हम क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा सब करते हैं, आप उनको आंसर बताओ, आप भी बताओ, अगर दिख नहीं रहा है नहीं दिख रहा होगा ऐसा कुछ नहीं, ओके। अभी शायद वो चार्जिंग अच्छा है तो क्या मैं इधर ही ले लूँ, ठीक है ऐसे। अभी डायग्राम निकालते बेटा, मैं आप उसका इंटरनेस दिखूंगा नहीं, तो दिखता भी नहीं, नहीं दिखता क्योंकि मैं बहुत सारा दिखता है। हाँ चलो, इसको बोला मैं बोलो बेटा एप्सिलॉन वन, एप्सिलॉन टू, एप्सिलॉन थ्री, एप्सिलॉन फोर, ऑफकोर्स यहाँ पे क्या बन जाएगा आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, बस दैट्स ऑल। इसको बोलता हूँ आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, अभी क्या बन जाएगा बताओ मेरे को, आप उधर से बताओ, ये इधर से बताएंगे, हाँ प्लस मतलब ये आएगा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन वन, ये माइनस एप्सिलॉन टू, ये माइनस एप्सिलॉन थ्री, ये प्लस एप्सिलॉन फोर, दैट्स ऑल बस। और आर इक्वल कितना बनेगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर, बस दैट्स ऑल। तो सीरीज के लिए आपको फॉर्मूला मिल, तो एप्सिलॉन इक्वल इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल एप्सिलॉन आर आर एम फ्रॉम वन टू एन, लेकिन यहाँ पे विद साइन, मतलब जो प्लस है उसको प्लस, जो माइनस है उसको माइनस, लेकिन सभी का तो बाद में ऑटोमेटिकली, इसीलिए आप उल्टा पुल्टा करते हो तो टॉर्च लाइट नहीं बनता, क्योंकि एक का पोटेंशियल हो जाएगा प्लस ईएमएफ हो जाएगा प्लस 1.5, तो दूसरे का हो जाएगा माइनस 1.5, व्हाट इज द टोटल ईएमएफ, इट्स इक्विवेलेंट इज
जीरो तो आपके पास टॉर्च क्यों नहीं जलता है, अभी तक क्वेश्चन था माइंड में, आप बता नहीं सकते थे ना, सब समझते था एक उल्टा पुल्टा के तो जलता नहीं है, दैट वॉज प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नॉलेज था, क्या होता है लेकिन उसका रजिस्टर चेक किया किसी भी ने तो दोनों का मिला कि मिलेगा, दैट्स ऑल। अभी जाते हैं फटाफट पैरेलल, पैरेलल में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है, आज मैं आपका पूरा कंफ्यूजन दैट इज माय पॉइंट, ओके। पैरेलल में भी होता है असिस्ट अपोज, लेकिन वो लिखते नहीं, got bored ठीक है, tensed no ये काय शिकवत आहे ते दिले आहे असे काय नाही, हे सगळे रिपोर्ट यो अभी तक का देखा नहीं होगा, काम बोलो सर अभी का आपको देखना पड़ेगा, बड़े काम का पड़ेगा, ठीक है दूसरा मेरे को लगा ऐसे ले लो ना, अरे भाई ले लो जैसा लेना है ले लो, जैसा करना है कर लो, नो प्रॉब्लम, उसको भी ऐसे एक क्या है उल्टा है बाकी उल्टा है। आज जो नहीं है बच्चे उनका भी ऑनलाइन देखना पड़ेगा, जो बच्चे यहाँ पे उनको देख लो, इसको क्या बोलेंगे एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन थ्री एप्सिलॉन फोर आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, दिख रहा है बेटा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है अभी इसको लिखो बी आर एम पी, मैं आपको जनरल फॉर्मूला नहीं देती, जो कुछ ये है उससे आपने जनरल फॉर्मूला अपने दिमाग में रखा, यहाँ पे क्या आएगा ऊपर देखो तुम्हें कैसे किया वो आपको समझ, इप्सिलॉन वन अपॉन आर वन हो गया, क्या क्यों करते कुछ नहीं करते, एग्जाम में आ गया तो सीरीज पैरेलल डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया है, चार चार सेंटेंस है देखने का रट लेने का लिखने का, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वहां पे वो आपको सब इक्वेशन वगैरह करके लिखा है, करने का जरूरत नहीं है, आपका वहाँ एग्जाम क्या मेमोरी टेस्ट नहीं है ना, मेमोरी टेस्ट नहीं है, एप्लीकेशन टेस्ट है, दिस इज एप्लीकेशन टेस्ट, तो वो मैंने करके रखा है, वो बटर मिल्क को छाछ को ये करके मक्खन दिया, तो मक्खन उसको क्या बोलते हैं कुछ तो बोलते हैं वो दिया, तो इतना तो अपॉन आर ये क्या आएगा माइनस इतना टू अपॉन आर ये क्या देगा प्लस epsilon 3 upon r3 plus epsilon 4 upon r4 into r square, ये क्या बन गया, ये बन गया था epsilon square इस फॉर्म में, और r equivalent कैसे लिखोगे, हाँ r equivalent के लिए आपको ऐसे लिखना है 1 upon r equivalent will be 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 plus 1 upon r4 बन गया, ये हो गया पेरोटिक क्लास। अभी फटाक से एक प्रॉब्लम है, हाथ पे पेन लेने का जरूरत है, दिमाग की बत्ती जलाओ, एंड ऑफ बस, आई एम नॉट मेकिंग द मार्केटिंग ऑफ मेंटोस, आई एम अगेंस्ट मेंटोस, लेट मी क्लियर, आई डोंट ईट एवर मेंटोस, इट वॉज अ जोक, करना पड़ेगा बोलना पड़ेगा, कुछ जोक से कनेक्ट किया तो बच्चे पूरा पढ़ाई करने लगते हैं, तो दो आपको होमवर्क लाइक होमवर्क देता हूँ आप बच्चों के लिए, आप होमवर्क भी जैसा कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम सॉल्व करते हैं, तो ये दिया ये दिया 5 वोल्ट 3 वोल्ट 2 वोल्ट क्या गया 1 ओम वैसे हाँ इसका पहले करते हैं, यहाँ पे
अभी मिक्स करेंगे तो पहले सिंपल नहीं मिक्स कर दो, मिक्स कर दो, एक ही मिक्स दे दो उसमें सब आएगा। हाँ आपको तो इतना थे, अभी नर्सरी में नहीं है ना, ट्वेल्थ क्लास में, अभी मिक्स कर दे बेटा, कैंसल प्रोजेक्ट कैंसल, मिक्स मिक्स ग्रुपिंग। चलो ये पाई बन गया, ये बन गया वन ओम, ये बन गया आपका थ्री वोल्ट सोर्स, और इसको बोलो टू ओम, और इसको बोलो टू वोल्ट, और इसको बोलो सिर्फ वन ओम। ओके इसको ले लो इसके साथ, इसको बोलो टू ओम, सॉरी टू वोल्ट वन ओम, इसको बोलो टू वोल्ट थ्री वोल्ट टू ओम, और इसको बोलो तो अभी निकालो, अभी इसको ऐसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा इप्सिलॉन इक्वल, यहाँ पे क्या लिखूंगा आर। दो स्टेप, पहला स्टेप देखो बेटा, देखो इंपॉर्टेंट, पहला स्टेप किसका निकालते हो, सेरी फाइव माइनस थ्री प्लस टू, फाइव माइनस थ्री प्लस टू, प्लस टू प्लस टू प्लस फोर, तो ये ऊपर आ गया प्लस फोर वोल्ट। ओके वन प्लस टू प्लस वन फोर, उसको पैरेलल में इसको निकालो, माइनस टू प्लस थ्री प्लस वन आ गया माइनस का, ये आ गया माइनस फोर, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इधर फोर ही लिखेंगे लेकिन ऐसे लिखेंगे, और इसका ये कितना गया वन टू थ्री सिक्स, इसको क्या पैरेलल हो गया। अभी इसको इसको हाँ इसका आएगा फॉर्मूला क्या, इप्सिलॉन वन तो फोर डी फोर फोर अपॉन आर वन कितना फोर माइनस फोर अपॉन सिक्स इंटू आर स्क्वायर कितना, डायरेक्ट लिखो फोर पैरेलल सिक्स इसका निकालेंगे, अगर फोर बाय फोर वन माइनस फोर बाय सिक्स टू बाय थ्री इंटू आर स्क्वायर कितना बन गया फोर सिक्स है ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर बाई टेन मतलब ट्वेल्व बाई फाइव, ट्वेल्व है ना इज इक्वल थ्री माइनस टू वन, वन बाय थ्री इंटू ट्वेल्व बाय फाइव डी फोर बाय ट्वेल्व, तो कितना आ गया फोर बाय फाइव आ गया आपका इक्वल, ये कितना गया फोर बाय फाइव वोल्ट, आर इक्वल कितना गया ट्वेल्व बाय फाइव। बेटा ध्यान में रखो क्या मैंने यहाँ पे किरचॉफ का रूल लगाया, लगाया क्या डायरेक्ट किया, तो जहां पे आपको ऐसी कंडीशन मिलती है कि आपको डायरेक्टली करने आता है तो करके ले लेगा, इफ यू कैन डू डायरेक्टली यू हैव टू डू डायरेक्टली, कल बता देना if you are having problem, if you are having query, then solve that problem. how to solve that? That depends on you. Very good, कर सकते हो Google बाबा का भी help ले सकते हो। इधर मैंने rule use किया क्या कुछ जॉब नहीं किया, कितना सिंपल है बेटा, कभी कभी rule use करते वो कैसे करते, आज पूरा किरचॉफ से पूरा, तो मैं क्या करता हूँ बहुत सारे टाइम में मैं ऐसा देख के बच्चों को बोलता हूँ, ऐसा इसका आंसर लिखता है, बच्चे बोलते हैं ऐसा दिस इज चीटिंग, वो बोलते हैं सिंगम वो चीटिंग है चीटिंग है, ऐसे चीटिंग नहीं है, दो मिनट में आता है आपको भी देना है एग्जाम देना है कॉम्पिटिटिव, उसमें आपको फास्ट आना चाहिए, तो दोनों भी मालूम है एग्जाम के लिए, अगर आप उन्होंने बोला है तो आप शुरू से सॉल्व करो तो आइडिया बनने का, अपने मेथड से बाजू में आंसर लिख के रखने का, फिर जब फिर उनके दो तीन स्टेप
डालने का, फाइनली अपना आंसर उधर चिपकाना, किसी ने भी आपको मार्क नहीं दिया तो मेरा नाम बदल दो, क्या करने का, हाँ अरे आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, इस मेथड से अपना आंसर निकल के रखने का और बोल के रखने का, इतना आने वाला है बस। खाली आपको क्या निकलना पड़ेगा, करंट, करंट को रिलीज करंट क्या है, इससे भी निकल सकते हो करंट कितना है, देखो ये है पोलर, ये आ, तो वहां पे क्या करने का है, वहां पे आपको जो देते हैं ना उसको आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ट्रीट करने का है, ये शायद इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हो अभी वो बढ़ा, मतलब क्या सब आपको दिया, ये समझ गए सिंपल, तभी क्या करते हैं यहां पे लिया मैंने 5 वोल्ट, ओके, और यहाँ पे मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन कर दिया, कुछ भी है ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा ही करना है, कोई चिन्ह नहीं, टोटल 2 ओहम, 1 ओहम, 2 ओहम, 3 ओहम, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, और इसको बोलते हैं 2 वोल्ट, क्या कर, ये दो वाले कॉम्बिनेशन मिस्टर एंडरसन, मिस्टर जॉन, जॉन एंड एंडरसन, ये भाई है, इसको इसका इंटरसेप्ट पकड़ो, नो किचॉ स्किप बार, इसको इसका इंटरसेप्ट पकड़ो, इसको इसका पकड़ो, नो प्रॉब्लम, 2 + 3 ये माइनस है, 2 - 3 देगा -1, तो ये आएगा -1, और ये कितना आएगा 2 + 3, ये ऊपर वाला कितना दिखेगा, ऐसे दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, इसको 1 लिखता हूँ, 1 वोल्ट, दिस विल बी 2 + 1, ये हो बन गया, बीच वाला कुछ लिखने का जरूरत नहीं, उसको डायरेक्टली इधर नोट डाउन कर लेता है, बीच वाला क्या है, इधर इधर से निगेटिव है, इसको निगेटिव करके इधर पॉजिटिव करो, ये कितना है 2 ओम, इसको 2 ओम करो, आया समझ, तो सिंपल, और ये क्या है, ये भाई 5 ओम, 3 ओम है ना, यहाँ पे कैसे करेंगे, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ पे 3, ये बन गया 5 वोल्ट, यहाँ पे 3 ओम, बीच वाला कितना निकल गया 2 वोल्ट, और ये 2 ओम, ये कितना है, बताओ अभी एप्सिलॉन 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन 3, समझ गए, ये माइनस 2/2 प्लस 5/3 मल्टीप्लाइड बाय आर इक्विवेलेंट 3 × 6 3 × 9 R1 R2 R3 अपॉन R1 + R1 R2 3 × 6 प्लस 2 × 6 मतलब 12 हो गया प्लस 3 × 9 12 + 9 21 3 × 9 इसके अंदर 20 और ये कितना बन गया करो अभी 2/2 ना मतलब ये कितना बन गया इसको इसको 6 करते हैं तो -6 - 3 - 9 बन गया प्लस 10 बाय टू दैट प्लस 10 मतलब ये ऊपर आएगा 1 1/6 समझे मल्टीप्लाइड बाय 3/7 1/24 क्या आएगा इप्सिलॉन आर इक्वल बन गया अप्लाई किचॉफ आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करो नहीं आंसर आया तो कल से भी आपने चौक नहीं मार्कर भी नहीं करो मतलब नहीं करो ऑफकोर्स प्रोवाइडेड दैट आई हैव डन दिस करेक्टली यहाँ पे मतलब बोलने का तरीका है हो गया तो ये कॉम्पिटिटिव डायरेक्ट आपको अगर किचॉफ रूल से सॉल्व करना है तो क्या करने का लुक करने का यहाँ पे 2 लुक बन जाएगा वो लुक वगैरह कर देते वो भी कर सकते सो टुडे मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट यू हैव टू अप्लाई द किचॉफ रूल फॉर सब्जेक्टिव इफ दे आर टेलिंग अदरवाइज डायरेक्टली आल्सो दिस इज वेरी सिंपल अब ये सिखा रहा हूँ इसके इतना टाइम लगेगा
नहीं लगता तो मैं एक ऐसा एक बार देख के लेता और ऐसा करता हूँ। हाँ वन बाय वन क्या हो कैसे बता नहीं सकता कैसे करेंगे आप करो प्रॉब्लम आया सॉल्व करो नया तरीका समझ गया। अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं कुछ कुछ नहीं अभी आते हैं द बिग स्नेक। बिग स्नेक कौन सा है एक ही बैलेंस्ड डिस्टेंस नेटवर्क एंड एक्सप्लेनिंग इट बाय यूजिंग केवीएल एंड केसी क्या बैलेंस्ड डिस्टेंस नेटवर्क एंड एक्सप्लेनिंग द बैलेंस डिस्टेंस नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ केवीएल केसी। यहाँ पे ऐसा यूज नहीं करने का लेकिन इसका बहुत यूज आपको होता है। ओके चलो शैल वी स्टार्ट लेना है या आगे जाना है मोर एनर्जी सपोज मैंने ऐसा नेटवर्क कंसीडर तो बैलेंस बिजनेस नेटवर्क में क्या आता है इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड एंड नो करंट विल फ्लो टू द गैलरी विद द दिस पॉइंट्स विल बी इक्विपोटेंशियल। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड यस गुड इट इज। एक बैटरी दिया बैटरी को लिखा मैंने ई और एप्सिलॉन ये बोला के आई नो दैट टाइम इज रनिंग आउट आई बोला बन गया। इसको थोड़ा सा रंगोली बनाते हैं ये क्या है और वन और टू ये आर थ्री आर ऐसे लिखो ना आपको खाली ध्यान में रखना दिस बाय दिस is equal to this by this अगर this is by this नहीं तो this by this is equal to this by this मतलब l by r divided by l by r sorry l by r equal to l by r u by d equal to u by d same side ऐसा लिया तो same side l by r upon same side ये side नीचे वाला l by r दोनों में same है u by d लिया u मतलब upper खुद का कर सकते हो कुछ नहीं। अब ये सॉल्व कैसे करो कुछ नहीं है पहले डायग्राम निकाल के लेने का यहाँ से करके कितना है आर मैंने आपको किरचॉफ रूल बताया है क्या है आर ऐसे आएगा आर बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन इसको अभी पॉइंट को नाम देते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं सी डी आना क्या चाहिए सी बी मस्ती करेक्ट। तो अभी पहले करंट निकालते निकलता हूँ कितना टाइम बचा 9 मिनट बचा फटाफट करना घर में यहाँ पर मैंने लिखा आई वन आर वन का आई वन यहाँ पे आई थ्री यहाँ पे हाँ अभी यहाँ पे ये आ गया ना यहाँ पे आ गया बराबर तो यहाँ से ऐसा डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसे ये बन जाएगा आई टू हाँ यहाँ पे आई टू कितना बन जाएगा आई वन माइनस आई वन आई वन से आई थ्री चला गया बचा हुआ आई टू गया आई थ्री कितना आएगा हाँ आई फोर बराबर है ना आई फोर कितना आएगा देखो फोन आ गया आई थ्री ऊपर से आ गया उसको फोन मिल गया आई थ्री मिल गया हाँ आई फोर रूपी क्या बन जाएगा बोलो 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 आई थ्री प्लस आई थ्री बन गया। यहाँ पे दो करंट फिर से मिल गए और फिर से उन्होंने बताया तो देखो अभी दो इक्वेशन मिलेगा I is equal to I1 plus I2. I2. दूसरा क्या मिलेगा I is equal to I1 minus I3
प्लस हाँ आई थ्री प्लस आई बी। देखो करने का जरूरत है फिर जब शुरू इसको काटा फिर से क्या मिल गया आई वन प्लस आई थ्री, तो यहाँ पर फिर से आपको मिल गया आई वन प्लस आई थ्री, मीन्स योर आंसर इज करेक्ट, वॉट एवर यू हैव एक्सप्लेन दैट इज एब्सोल्युटली राइट, देयर इज नथिंग डिफरेंट। आ गया अभी लुक लेगा, एक लुक ले लो ऐसा, इसको बोलेगा ए सी डी ए, एक को लेगा ए सी डी ए, दूसरा क्या लेगा ऐसे लेगा ना उल्टा, तो ऐसे उल्टा लेगा बी सी डी बी, दूसरा लेगा बी सी डी बी, और ये लेगा बड़ा होगा तो इसको मैं नाम दूंगा ई देगा, इसको इसको बोलता हूँ ई, ये पॉइंट तो ई ए सी डी ए, क्या बोला ई ए सी डी ए, ये शॉर्टकट से नहीं जाएगा, शॉर्टकट को मैंने ये भरना रहता है, आई जस्ट वेंट टू चिपलू चिपलू से दाखिल करेगा बीच में कैंड, यहाँ से भी होते फिर से होते दाखिल जा सकता हूँ, मैं डायरेक्ट चिपलू गया तो दादो वो समंदर से फिर से दाखिल गया, यहाँ से आया होता तो रू खेड ये मतलब समझ नहीं, तो ये लोग ऐसा है ऐसे पूरा करके चक्कर पूरा करके मैं नहीं इधर से भी नहीं आया सॉरी इधर से भी नहीं आया, ये डायरेक्ट इधर से चला गया और ए नहीं ई सॉरी 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 उदापुर से भी मैं डायरेक्ट गया बाहर बाहर से चला गया गया चिपलून गया, लेकिन आते समय नहीं नहीं गया बंदे ना गया चिपलून गया इलापुर वगैरह कुछ नहीं किया तो डायरेक्ट मैं दूसरे रास्ते से बाहर को चला, अभी कुछ नहीं ए सी डी ए, तो ये लेगा ए सी डी ए, ऐसे एरो कर देगा मन में एरो कर देगा, ये क्या होता है सर मन में कर देगा एरो, पेपर के ऊपर नहीं कर देगा, इस पर ऐसा कर देगा आपको दिखाई देखा दिखा रहा हूँ इस पर ऐसा कुछ नहीं बोलो करेंगे लुक डिरेक्शन से, तो माइनस आई वन आर वन करंट लूप डायरेक्शन से माइनस आई जी इंटू जी, इस तरह से करंट डायरेक्शन प्लस प्लस आई थ्री आर थ्री इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या बचेगा आई थ्री आर थ्री इज इक्वल टू आई वन प्लस आई जी इंटू जी बन गया। यहाँ पे आपको नहीं भी क्या चाहिए, दूसरा आएगा आपका ये कैसे जोड़ोगे सी बी ना, तो डिरेक्शन ऐसा ये ऐसा ये ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे आई माइनस आई टू ये ले आई टू माइनस आई टू आर टू यहाँ पे प्लस आई फोर आर फोर प्लस आई थ्री यहाँ पे भी आई जी वृद्धि आ गया, तो क्या करो आई जी वृद्धि इसको इधर लगाओ तो ये इक्वेशन मिलेगा आई जी वृद्धि इसको भी इधर रखो इसको उधर लगाओ और दोनों को इक्वेट करो उसमें वैल्यू डालो क्या आई वन को आई को कितना लिखो आई वन प्लस आई तो जहाँ जहाँ पे आपका आई वन प्लस आई थ्री वहाँ पे आई लिखो, तीसरा बड़ा वाला इक्वेशन मिलेगा आई वन माइनस आई वन आर वन माइनस आई टू आर टू माइनस टू प्लस इक्वल टू जीरो, इसमें आपने अगर फॉर्मूला के लिए डाल डब्ल्यू डब्ल्यू के लिए डब्ल्यू ऑफ कर इज करंट मिलेगा आई वन मिलेगा आई टू मिलेगा आई जी कितना आएगा, तो व्हेन ब्रिज इज बैलेंस आई जी विल बी जीरो, ये जीरो बन जाएगा समझ गए, तो माइनस आई टू आर टू प्लस आई फोर आर फोर इज इक्वल जीरो और माइनस आई वन आर वन प्लस आई थ्री आर थ्री इक्वल टू विच द बैलेंस्ड डिस्टेंस नेटवर्क, आई नो दैट टाइम इज ओवर टू मिनट्स आर रिमेनिंग सो आई नॉट एम्फसाइज ऑन दोज टू मिनट्स, सो बेटा फॉर यू ऑल्सो आई एम टेलिंग
लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जितना यहाँ पे लेक्चर हो रहा है, कीप इन माइंड दैट दिस इज द रिविजन जस्ट लाइक इन योर क्लास. मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरे सामने हो, तो आपको भी समझना चाहिए एक्चुअली मराठी सर आपके सामने, नहीं तो कौन सा भी टीचर आपके सामने आपको पढ़ता है. तो स्कूल में आने तक ये बीच का स्पैन है, ये आप ऐसे बैठो कि आप स्कूल में ही हो. सो दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, डोंट फॉरगेट दैट, बिकॉज यूअर मार्क्स, यूअर एग्जाम्स एंड यूअर स्कोर इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट एंड यू डू अकॉर्डिंगली. टुडे वी शैल स्टॉप हियर, टुमारो वंस अगेन वी विल मीट इन द न्यू वीडियो. टिल दैट, stay home, stay safe, stay tuned with physics. Thank you, thanks a lot.